पठान की ओपनिंग लेती है 57 करोड़। अगर आप भाईजान की फिल्म बोलते हैं, फहाद साम जी हम फ्लॉप डायरेक्टर हैं, उनकी एंटरटेनमेंट इतनी घटिया पिक्चर थी, केरा डुबारी अक्षय कुमार का प्यार के टाइम पे सलमान खान साहब बहुत शर्मीला था, बहुत डाउन टू अर्थ था। मैं साथ में पीआर कैंपेन करने लेके जाता था, स्क्रीन में मुझे याद है मेरी कार में मैं लेके गया था इंटरव्यू कराने। होप कि ये उनकी लास्ट डायरेक्शन वाली पिक्चर हो और हेरा फेरी 3 जो बनाने जा रहे हैं। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में आज दो बहुत खास शख्स है, नरेंद्र गुप्ता जी, आपने पहले इनको देखा रहेगा, हमारे साथ में द बॉक्स ऑफिस एंड ट्रेड एनालिस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड एंड हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर एंड डायरेक्टर सर, स्वागत है आपका। फिल्म इंफॉर्मेशन के लिए लिखता था। यस सर, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, आज काफी लाइक डेप्थ डिस्कशन होगा ऑन बॉलीवुड। भोला आई रीमेक, शहजादा आई रीमेक, ज्यादा रीमेक की बात करते हैं ना, पता नहीं मेकर्स रीमेक क्यों बनाते हैं। आपकी शहजादा बड़ी फ्लॉप थी, कार्तिक आर्यन था, सेल्फी आई अक्षय कुमार की, वो रीमेक थी। आपकी भोला वो भी रीमेक है, और अभी भाईजान आ रहे हैं, किसी का भाईजान, वो भी वीरम की रीमेक है, जो 2014 में फिल्म आई थी जिसमें अजीत और तमन्ना भाटिया थे। और फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं थी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन पिक्चर बाद में एवरेज सेटल हुई। उसके बाद इसी सब्जेक्ट पर तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में फिल्में बनी, सब फ्लॉप थी। पता नहीं ये आउटडेटेड सब्जेक्ट है, ये 70 का सब्जेक्ट लगता है, पता नहीं इस पे फिल्म बना क्यों रहे हैं। एक भाई की शादी नहीं करने के लिए चार भाई जुटे हुए हैं, क्या आउटडेटेड थॉट है। और इतने सारे कैरेक्टर हैं पिक्चर के अंदर सर, सब जूनियर आर्टिस्ट नजर आएंगे आप। मुझे लगता नहीं है उनका स्क्रीन स्पेस 5 मिनट से भी ज़्यादा का किसी का होगा। सब लोग खुद को ढूंढेंगे, बायनाकुलर लगा कि हाँ हमारा रोल है किधर, हमारे सीन किधर है, ये पिक्चर का हाल होगा। और जैसा कि आपको पता है फिल्म की ओपनिंग बहुत ही बड़ी डिजास्टर है, मुश्किल से एक एक दो दो टिकटें बिके हैं, मेकर कन्फ्यूज थे। हम पिक्चर की एडवांस अगर 1 महीना पहले शुरू कर देते हैं और पिक्चर की 5,000 टिकटें नहीं बिके तो ऑडियंस पहले बोल देगी पिक्चर फ्लॉप है। वो सोच रहे थे हम एडवांस कब शुरू करें, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले। एट लास्ट 2 दिन पहले इसका एडवांस शुरू हुआ संडे को। गेटी गैलेक्सी सिंगल स्क्रीन है, थोड़ी मासीज है, टिकट के रेट्स कम है, भाईजान का एरिया है तो आ जाते हैं। बाकी आप मल्टीप्लेक्स की पैन इंडिया ओपनिंग देखेंगे, खत्म। अगर जेन्युइन कलेक्शन देखा जाए तो मेरे को लगता है कि 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन ईद नहीं है, ईद आपकी पड़ रही है सैटरडे को, शायद संडे भी ईद शिफ्ट हो जाए, गॉड नोज़ कि अभी चांद कब दिखाई देता है। तो फिल्म मुझे लगता है कि 100 करोड़ भी बिजनेस करने के लिए बहुत स्ट्रगल करेगी। नहीं, 100 करोड़ तो बता देंगे वो, बताना दूसरी बात है। सलमान खान की ओपनिंग तो है, आप फ्राइडे की जो बात कह रहे हो ईद नहीं है तो ठीक है, मैं मानता हूँ, फिर भी फ्राइडे 15 करोड़ के आसपास लगेगी कलेक्शन, और सैटरडे भी इट विल डेफिनेटली टच बियॉन्ड 20 to 25 करोड़। संडे भी गर्म रहेगी ईद में, क्योंकि वो है एक ओपनिंग है, ईद का 2 दिन का फैक्टर रहेगा, बाद में जाके फिल्म का क्या मेरिट निकलता है। सर प्रॉब्लम क्या है कि फिल्म के देखिए अब प्रोमो लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं, फिल्म में ना ढंग की एंटरटेनमेंट है, ना कॉमेडी है, गाने पुराने हैं, आपको साउथ फिल्म लगता है, आपको साउथ इंडियन फिल्म देख रहे हैं ऐसा लग रहा है, आपको फील ही नहीं आ रहा है कि एक पैन इंडिया पिक्चर है, या मुस्लिम भाइयों को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, ऐसा कुछ भी पिक्चर में नजर नहीं आ रहा है। आपने तो सलमान की पहली फिल्म से आप जुड़े हुए हैं, आपने मैंने प्यार किया का उनको प्रमोट किया था सलमान भाई को। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, तभी तो सलमान डिफरेंट था, आज तो सलमान कोई अलग ही। मैंने प्यार किया, एग्जैक्टली मैंने प्यार के टाइम पे सलमान खान साहब बहुत शर्मीला था, बहुत डाउन टू अर्थ था। मैं साथ में पीआर कैंपेन करने लेके जाता था, स्क्रीन में मुझे याद है मेरी कार में मैं लेके गया था इंटरव्यू कराने, उदय तारा नायर जी थी तभी एडिटर, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। मगर तब से और आज में जो डिफरेंस है सलमान में, पहले वो थोड़ा इंग्लिश बनने की कोशिश करता था और सिल्वर स्टैलोन को देख के खुश होता था, टॉम क्रूज को, बाल भी देसी स्टाइल नहीं आया था। इसने जो देसी स्टाइल शुरू किया है वॉन्टेड फिल्म से, जो हिंदी स्टाइल के डायलॉग बोलना, भाई लोग खुश करना, वो डायलॉग बाजी का अंदाज नहीं था उसका, ही वॉज मोर वेस्टर्न स्टाइल। आई थिंक उसके बाद उसको जो सक्सेस मिला है, ही हैज बिकम अ डिफरेंट सलमान। टुडे ही इज, उसने ये सीखा है, ही इज इवॉल्वड फ्रॉम वेयर टू वेयर। आज वो माइक खा जाता है, पहले माइक पे ज्यादा बात नहीं करता था, ही वॉज शाय, नाउ ही इज डेयर डेविल एंड ही इज कॉट द पल्स ऑफ इंडियन ऑडियंस। उसको ये पता है मासेस को चाहिए क्या, एंड दैट्स हिज सक्सेस। लेकिन सर पिछली पिछली 5 सालों से ईद खराब दिए भाई ने, उनकी रेस 3 हो, उनकी जय हो, उनकी भारत हो, उनकी ट्यूबलाइट पिक्चर हो,
बहुत बड़ी डिजास्टर है। तो ईद पे भैया लकी नहीं रहे पिछले 5 सालों से। उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बनी हो, दिखी नहीं है, पता नहीं। दो घंटे चले, भगवान करे। 24 मिनट का रन टाइम भी आया जी है। हाँ। नहीं, ओपनिंग लगेगी जी। उसके बाद फिल्म में अगर दम नहीं है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर अब ईद हो कुछ नहीं हो सकता, बट फर्स्ट 3 डेज आर सिक्योर्ड। सर पठान की ओपनिंग लेती है 57 करोड़, अगर भाईजान की फिल्म बोलते हैं 15 करोड़, तो 1/3 ओपनिंग मतलब काफ़ी पुअर है सर उसके हिसाब से। 15 से ऊपर होगी फर्स्ट डे, क्योंकि अभी रोजे चल रहे हैं, ईद होगी सैटरडे को संडे को ही शूट अप। फिल्म का भी फर्क होता है। पठान का एक अलग फ्लेवर था, इतने सालों बाद आ रहा था शाहरुख, और फिल्म की एक इमेज, एक डेप्थ बन चुकी थी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, गाना हिट हो गया था। यहाँ क्या अट्रैक्शन है, सलमान अकेला है, बाकी सब जैसे आपने कहा जूनियर आर्टिस्ट लगते हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट सच अ ह्यूज फिनोमिनल ड्रॉ, आई अनडाउटफुल, बट 25-30 करोड़ भी अगर सैटरडे और संडे आता है और 100 करोड़ अगर कर लेती है फर्स्ट वीक में, तो इट इज़ गुड फॉर द ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स टॉपसी टर्वी। नरेंद्र जी, आपने गेटी गैलेक्सी का तो बोल दिया, लेकिन हम और थोड़ा डेप्थ जानना चाहेंगे बाकी के सर्किट से कैसा है एडवांस बुकिंग का। नहीं, पैन इंडिया काफ़ी पुअर है ओपनिंग, जस्ट 2 दिन हुए ओपन होके, क्योंकि संडे को पैन इंडिया सब थिएटर ओपन नहीं हुए थे। कल एक नया गाना भी रिलीज किया बल्ले बल्ले, तो पंजाब को टारगेट करके ये गाना, अब ये वो बल्ले बल्ले पंजाब को टारगेट, लुंगी आप साउथ को टारगेट कर रहे हो। बेचारे मुस्लिम भाई जो आना चाहते हैं थिएटर में, उनके लिए कुछ तो भैया कुछ तो डाला होता आपने। फ्रेंकली डायरेक्टर है ना, बिलो एवरेज डायरेक्टर है फहद साम जी, फ्लॉप डायरेक्टर हैं। उनकी एंटरटेनमेंट इतनी घटिया पिक्चर थी, केरा डूबा दिया अक्षय कुमार का, दूसरी बार वापस डूबाया बच्चन पांडे में, और तीसरी आप उनकी पॉपकॉर्न देखिए, इतनी घटिया कॉमेडी है, आप 15 मिनट बैठ जाएं तो आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। सर मैंने दो एपिसोड देखे आपको रियली सैल्यूट है कि आपने 2 एपिसोड झेले सर उसको। फिल्म क्या चल रही है, क्या कॉमेडी, वो भाई को कॉमेडी की सेंस नहीं है, ही इज अ गुड डायलॉग राइटर, जो जिसका काम सुहाता है उनको वही करना चाहिए। होप कि ये उनकी लास्ट डायरेक्शन वाली पिक्चर हो, और हेरा फेरी 3 जो बनाने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है मेकर से, भैया उनसे लेके किसी ढंग के डायरेक्टर को डायरेक्शन के लिए फिल्म ली जाए। सर आप क्या कहना चाहोगे फराज सामजी के लिए? मैं कहूँगा, हाँ बात तो सही है इनकी कि ही इज़ नॉट प्रूव्ड एज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, बट आई एम इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज, आई एम इन फेवर ऑफ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस। मैं तो चाहूँगा कि फिल्म चले, हेरा फेरी भी चले, पिक्चर चलनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ताकि सबका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कुछ प्रोस्पेरिटी आए। अभी हाई टाइम है, फिल्म में रीमेक हो रही है तो डब्बा हो रही है, बॉलीवुड की अपनी पहचान कहीं खो गई है। हम लोग खुद इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, वो कहाँ खोए हुए हैं, क्यों हम लोग कहानी पकड़ नहीं पा रहे हैं? साउथ का भी रीमेक उठाते हैं तो कोई गड़बड़ वाला ही उठाते हैं। तो आई विश एंड प्रे कि सब अच्छा हो, ऑप्टिमिस्टिक होके चले। बात तो सही है, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नरेंद्र गुप्ता जी की बात सही है, ही इज़ नॉट प्रूव्ड एनीथिंग, बट वी शुड गिव अ चांस। आदमी इवॉल्व करता है, 4 गलतियाँ करके शायद कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है आदमी, सबको मौका देना चाहिए। वी होप, वी प्रे दैट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कम्स अप, इट ब्लूम्स अगेन, नहीं तो थिएटर्स बंद हो जाएंगे। OTT ने तो वैसे ही बर्बाद कर दिया है, तो लेट अस प्रे दैट एवरीबॉडी कम्स अप। सर प्रॉब्लम क्या है, 2-3 खान हो या एक कपूर हो या एक कुमार हो ना, बॉलीवुड नहीं चला सकता। अगर आपकी साल में सिर्फ 5 फिल्में हिट आती हैं तो बॉलीवुड सर्वाइव नहीं करेगा। आज 1-2 नहीं 60 आर्टिस्ट की लिस्ट है मेरे पास जिनको लोग थिएटर में देखना नहीं चाहते। लेट है आदित्य की पिक्चर गुमराह डिजास्टर, आपकी राजकुमार राव 28 करोड़ का पिक्चर बनाते हुए भीड़, 15 लाख का ओपनिंग का कलेक्शन नहीं है, सबकी फीस कितनी है 15 से 20 करोड़। आपका सिद्धार्थ मल्होत्रा बोल लीजिए, अर्जुन कपूर ले लीजिए, विकी कौशल ले लीजिए, ये लंबी लिस्ट है सर। इवन हीरोइन में जानवी कपूर हो, सारा अली खान हो, लोग इनको थिएटर में नहीं देखना चाहते। इनको पता है कि महीने भर के बाद थिएटर छोड़ के पिक्चर आने वाली है OTT पे, तो क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? और फ्रेंकली कॉन्टेंट हैज़ गॉन फॉर द टॉस। 3 साल हमारे बॉलीवुड वालों ने बर्बाद कर दिए, कॉन्टेंट पर किसी ध्यान ही नहीं है। इसकी रीमेक बनाओ, उसकी कॉपी बनाओ, लाल सिंह चड्ढा की उसकी कॉपी बनाओ, अरे क्या बना क्या रहे हो यार आप? ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं या उपलब्ध है OTT पे, आप क्यों बनाना चाहते हो? अभी वीरम पिक्चर क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? आपके ओरिजिनल कंटेंट की कमी है क्या आपके पास? क्यों नहीं बना रहे ओरिजिनल कंटेंट? ये सबसे बड़ा इश्यू आज की डेट में।